स्माइल देना ये आएगा कोई बात नहीं आएगा ऑन कैमरा ये देख लो H2 आएगी ठीक है H2 पेमेंट भी फाइनल हो गई हुई है था 600 कम पड़ रहा है तो 600 फाइनेंस करवाया मैंने अपना अच्छा 600 रुपये फाइनेंस कराया ठीक बाकी पूरी फुल पेमेंट हो गई कोई बात नहीं है डालूंगा मैं जरूर 600 रुपये फाइनेंस वाला सीन सारा काम हो गया जैसे कि चेक करो यार सब तो अपनी बैग्स में कुछ यार चेन सेट की प्रॉब्लम थी तो कुछ स्टैंड की प्रॉब्लम है लगने में दिक्कत कर रही है वगैरह तो आपको बता दूंगा मैं वहीं पे चल के तो अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्लॉग पे तो बाइक का काम कराना है देन उसके बाद हमने कहीं उधमपुर जाना है तो वहाँ पे काम करवाते हैं फाइनली चलते हैं अभी पिकी भैया के पास तो वो काम करवा के निकलेंगे हमने दूर जाना है तो चलते हैं तो मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस यार अभी निकलते हैं हम पिकी भैया की शॉप पे तो फ्यूल वगैरह भी इसमें बहुत कम है तो कल हम आ रहे थे उधमपुर से तो देन जैसे यार कल हम उधमपुर से आए तो रास्ते में एक सीन हो गया तो मैं आगे डाल दूंगा वीडियो के एंड पे तो गर्मी भी बहुत थी तो कल हमने सोचा हम बस पे जाते हैं और वहाँ से बस पे आ ही रहे थे सो गए यार कल हम जा रहे थे तो एक बुलेट वाले भाई आगे जा रहे थे तो लेफ़्ट साइड का उन्होंने इंडिकेटर दिया था वो लेफ़्ट साइड से जा रहे थे तो इतनी देर में यार देख सकते हो यार हमने जैसे देखा है तो बस काफ़ी फास्ट थी जिसमें हम बैठे हुए थे तो गाइस यार बहुत गंदा सीन हुआ यार पीछे से मतलब कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ यार तो ऐसा सीन हुआ कि उनने मोड़ पे यार एक मतलब हाथ मतलब इंडिकेटर दिया साइड का तो यार बस वाले ने उनको मतलब ब्रेक नहीं मारी यार नीचे चढ़ा दिया मतलब नीचे डाल दिया उनको यार ब्रेक भी नहीं मारी उसने तो यार उसकी यार बुलेट की यार जो चेसी थी ना वो टायर के नीचे फंस गई तभी बस रुक गई यार तो यार इतना गंदा हुआ यार हम बाहर निकल के ना गए मेरे को मैं वीडियो मैंने बेशक ऑन की यार 2 मिनट लेकिन यार देखा तक नहीं गया यार तो मतलब इतना यार बोलते हैं यार पाँव के नीचे से मेरी पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई यार इस तरीके से यार एक्सीडेंट हुआ है तो गाइस यार कल से मैं यार बहुत अपसेट हूँ यार वो एक्सीडेंट बार बार रात भी मेरे यार बार बार वो इंसिडेंट्स यार मेरे तो बार बार यार वही सीन यार याद आ रहा है तो बार बार दिमाग में यार तो काफ़ी सब वगैरह यार उसे डर वगैरह बहुत लग गया तो वहाँ पे यार कुछ ऐसे लोग भी थे यार जबकि गलती बस वाले की थी तो बता रहे थे कि जैसे कि यार एक वहाँ से अंकल आया पीछे से बोलता जी बुलेट वाला ऐसे कट मार रहा था तो यार हम बस में बैठे हुए थे ऐसा वगैरह कोई सीन नहीं था तो यार वो कुछ भी नहीं किया था उनने और जस्ट उसने खाली यार एक हाथ दिया था ऐसे साइड करने का तो टर्न लेने का तो बस वाले से ब्रेक नहीं बजी बस वाला काफ़ी फास्ट था उसने नीचे डाल दिया यार तो गाइस यार मैं उनकी बाइक उठाने गया तो उनको उठाने गया मैंने देखा यार उंगलियाँ बिल्कुल नीचे यार चिपक गई थी यार रोड में मतलब इतना बुरा सीन हुआ था यार आई गॉड यार क्या बोल सकते हैं यार तो कैसे यार क्या ही बोलें यार तो ये बोलेंगे यार बस वालों को भी थोड़ा देखना चाहिए यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार एक एक जान बहुत कीमती होती है यार नहीं करना चाहिए यार ये सब तो रैश ड्राइव भी नहीं करनी चाहिए यार गए यार कल का देख के ना इतना बुरा लग रहा है ना यार मुझे अभी तक सो गए यार इसमें यार बहुत प्रॉब्लम आ गई है बाइक में यार चेन सेट जैसे कि ख़राब हो गया इसका स्टैंड वगैरह स्टैंड लगाओ तो ये बिल्कुल नीचे ही टेढ़ी हो जाती है कई बार गिर जाती है तो यार चलते हैं इसके यार स्टैंड की शायद ब्रैकेट ख़राब है इसकी वो भी ठीक करा लेते हैं तो चेन सेट एंड लगवा लेते हैं अपनी बाइक में तो चलते हैं सीधा आगे तो मिलते हैं आपको थोड़ा आगे। सो गाइस यार अभी हम पहुंचने वाले हैं पिकी भैया की शॉप पे तो जैसे कि पता है यार डोगरा चौक में हम पहुंच गए हैं सो निकलते हैं अब यहाँ से तो सीधा पिकी भैया के पास तो पिकी भैया से चलते हैं यार बाइक वगैरह का पूछते हैं और तो यार इसका हीटिंग का भी बड़ा इशू है हीट बहुत होती है तो ऊपर से टांगों पर सेक लग जाता है सो पहले निकलते हैं यार इसकी सर्विस वगैरह भी करवा लेते हैं आज तो है ही है तो दम सारा काम करवा ही लेते हैं इस बाइक का काम करवाने के बाद देखते हैं क्या रहता है आगे का। इधर निकलते हैं फुल पावर पिकी भैया के पास। सो गाइस फाइनली अब हम पिकी भैया की शॉप पे पहुंच गए हैं तो ये रही पिकी भैया की शॉप तो पिकी भैया के पास तो थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं तो दम देख सकते हो इंजन 900 खड़ी हुई है एक तो कैसे पहुंच गए अभी हम यहाँ पे तो चेन सेट ये रहा ढक्कन वो नीचे फेंक दिया तो गए यार ये चक्कर ना यार इसका गुस्सा है देना स्माइल सिंह छोटी सी स्माइल मारता है। हाँ जी भैया क्या बात है तो ये आ गया अपने KTM का चेन सेट तो इसका MRP 3000 है
तो वो रही अपनी बाइक, तो ये रही Z900। अभी जो नई आ रही है तो इसका एग्जॉस्ट दे सकते हो, ये Shimura ये लगा हुआ है। तो गाइस यार अभी हम चेन सेट वगैरह डला लेते हैं। गाइस यार चेक करना यार, यहाँ पे पूरा डैमेज है पार्ट सब ना, जो तभी यार स्टैंड पे बार बार वो दिक्कत कर रहा था लगने में, ये पार्ट पूरा नया पड़ने वाला है। और चेन सेट अभी वो लाया हुआ है, तो देन जैसे कि देख सकते हो वो चेन सेट पड़ा हुआ, तो अभी बाइक का काम चल रहा है। तो ये देख सकते हो, तो ये नट वगैरह टूट गया, अभी सब ये नया पड़ने वाला है। तो मिलते हैं गाइस यार ये सब करवा के। तो अपना पार्ट आ गया, इसकी MRP कुछ देख सकते हो 1600 है। तो अभी इसको डलवाने वाले हैं, तो इसमें दोनों नेट लगे हुए हैं जैसे कि यहाँ पे। तो चलते हैं अभी भैया को देते हैं, तो काम करवाते हैं सारा। तो मिल भैया सब फड़े जाने, सब फड़ेगा। तो गाइस यार इसका चेन सेट वगैरह सभी काम हो गया है, तो अपनी वो लेग टूटी हुई थी वो भी डाल दी है। तो अब इसका थोड़ा जो काम रहता है मोबाइल होल्डर डालना है, तो देन ये सारा काम करके आपको एक ही बार बाइक को रिवील करते हैं पूरा। तो अब रहता है अपना मोबाइल स्टैंड लगवा रहे हैं, तो देन उसके बाद बाइक की सर्विस करवानी है, ये वगैरह सर्विस करानी है बाइक की। तो ऑयल वो नीचे रहा, तो अब देख सकते हो मोबाइल स्टैंड लगा रहे हैं, तो उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बताओ ये क्या चेन सेट? अच्छा ये क्या भाई मोबाइल स्टैंड? ये हाँ जी बोल्ट 100 रुपये के दो। ये पिटी भैया, पिकी भैया, पिकी भैया, पिकी भैया, पिकी भैया, ईमानदारी का पेन चला दो इस पे यार। ये ईमानदारी का पेन नहीं है यार। पहले स्माइल, पहले स्माइल पैसे के लिए। नहीं नहीं पिकी भैया ये क्या ईमानदारी वाला चलाओ ना यार, ये क्या हुआ? जो प्रिंट था वही पूरा लगा दिया यार, ये चीज़ गलत है यार। और छोड़ यार अब ये करूँगा, भैया कैसे 3500 फट ना जाए यार। अच्छा आप स्कैनर खोलो, छोड़ो ठीक है, आप स्कैनर खोलो जल्दी जल्दी। स्माइल देना ये आएगा, कोई बात नहीं आएगा, ऑन कैमरे ये देख लो, ये देख लो। दे दो ना उसको पैसे, H2 आएगी ठीक है। अच्छा 600 रुपये फाइनेंस कराया, ठीक कोई बात नहीं है, डालूंगा मैं जरूर 600 रुपये फाइनेंस वाला सीन। अच्छा दे दो ना इसको, ठीक है फिर बुकिंग के अमाउंट थोड़ा 600 रुपये कम बढ़ा दे देना, ठीक है अगली बार लोन में डिसकंटिन्यू हो गया इनका पैसा। वो हंस रहा है यार, मुझे तो छोड़ो, वो आपका मिस्त्री है, वो हंस रहा है उनकी देख के हंस दी आ रही है। तेरी टैनर आएगी ना। चले सो गाइस यार फाइनली सारा काम हो गया है, तो ऑल वर्क डन कर दिया हमने। तो अपनी बाइक का यार, तो एक प्रॉब्लम आ रही थी इसमें जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें यार ये सीन पड़ गया यार, इसमें इतना गंदा सीन हो गया कि जो अपना टायर है वो पीछे से यार चेन सेट की वजह से साथ लग रहा है। तो हमें नहीं पता था यार कि चेन सेट पहला पुराना था, तो हम नया डालेंगे तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आने वाली थी, तो इस चीज़ का हमें कुछ नहीं पता था। तो अब देखते हैं गाइस यार टायर फटता है या टायर चेन ढीला होता है, तो दोनों में से एक ही काम होगा, जो काम होगा तो देखा जाएगा। अगर टायर फटना हुआ तो टायर नया डलवाना पड़ेगा, तो अगर चेन सेट हुआ तो चेन सेट डलवाना पड़ेगा। तो गाइस यार देख सकते हो यार, मैं आपको काम बता सकता हूँ, जैसे कि आपको पता है यार मैंने एक चेन सेट डलवाया, तो एक बाइक पे हमने चेन सेट डलवाया, तो एक बाइक की यार नीचे लेग से एक नट टूट गया था, जिससे स्टैंड बार बार ढीला हो रहा था। तो देन हमें यार इसकी बहुत ज़रूरत थी, तो इसको हमने एक डलवा दिया यार मोबाइल स्टैंड को, तो अपना मोबाइल यार लगाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो देन अपना ईज़िली हम फ़ोन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो भाई ये पहले तो अपना फ़ोन सेट करने के लिए, तो कहीं पर यार गाइस यार यहाँ पे हमने मैप वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। तो अभी हमने ट्रिप प्लान किया हुआ बाइक पे, तो तभी हमने ये सब भी लगाया है यार। सो गाइस यार अभी व्लॉग कर देना था यहीं पे एंड। तो आई होप आप सबको व्लॉग बढ़िया लगा हो, तो मिलते हैं यार आपको नेक्स्ट व्लॉग में।
तो तब तक के लिए व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। तो चैनल पे नए हो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तो गाइस गाड़ी पीछे करो, बस 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 बस